ये आपको प्रूव करना है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है और आपको ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। लेफ्ट हैंड साइड क्या सोचते हो, 2x कॉमन, 2x कैसे कॉमन आ जाएगा भाई? ये भाई एरर मत कर देना, ये एंगल में है। कई बार बच्चे सोच रहे हैं 2x कॉमन ले लो तो यहाँ साइन रह गया, यहाँ साइन 2 रह गया, यहाँ साइन 3 रह गया, ऐसे नहीं, गलत है ये बेटा, एंगल के अंदर है, ये हो नहीं सकता ऐसा। तो इसमें आपने करना क्या है, देखिए इसमें ना इन दोनों में आइडेंटिटी लगा सकते हो आप, ये इसमें और इसमें। कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, देखो आइडेंटिटी को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम यहां लिखते हैं हम आइडेंटिटी आपकी कौन सी लग सकती है, साइन ए प्लस साइन बी की। और ये आइडेंटिटी क्या कहती है आपकी, टू साइन पहले आता है इसमें, साइन ए प्लस बी बाय टू और कॉस ए माइनस बी बाय टू, ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ये वाली आइडेंटिटी हम इसमें लगाते हैं तो क्या बनता है, देखो आपका टू तो आना ही आना है और साइन आना है और इसमें ये 8x/2 है, बिल्कुल 4x हो जाएगा और मल्टीप्लाइड में कोस 2x माइनस, तो माइनस के 4x/2 माइनस 2x हो जाएगा अगले स्टेप में और प्लस के 2 साइन 4x। तो एक काम करो जी, ये 2 sin 4x तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये किससे बना, ये हमारा इससे बना है, ये दिखा देता हूँ ताकि आगे समझने में आसानी रहे। तो 2 sin 4x हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहां पर क्या बच्चा, कोस माइनस के 2x। अच्छा कोस माइनस के 2x को कोस 2x ही लिख दूं, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से लिख दिया, और प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब जैसा कि मैंने बताया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहां भी एक फार्मूला लगने जा रहा है। फार्मूला क्या है देखो, दिखा देते हैं। देखिए ये फार्मूला आपका यहां से बनता है, आप गौर से देखना किस फार्मूले से बनाया है, ये देखो और एक ये देखो आप। इससे आप क्या कह सकते हो, आप इससे एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हो। अगर मैंने 1 को इधर भेज दिया तो आपका 2 cos² a बराबर क्या हो सकता है, cos 2a+1, या फिर हम कह सकते हैं 1 plus cos 2a। और इसी तरह से साइन के केस में ही बनता है ये, उसमें क्या, ये 2 sin² a को इधर भेजो और इसको cos 2a को इधर भेजो, तो 2 sin² a ये बराबर होता है 1 minus cos 2a के। तो ये भी एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है। वो बिल्कुल सेम है जैसे कि हमने हाफ एंगल में बताया था, हाफ एंगल में अगर आपको याद आ रहा हो तो ये हाफ एंगल में भी मैंने ये बताए थे। तो लगा देते हैं इस फार्मूले को यहाँ पर हम, तो ये आपका 2 sin 4x और यहाँ पर आपका बन जाएगा ये 2 cos² x हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया और इसको आप एक बार रीअरेंज कर दो, कोस स्क्वायर को पहले लिख दो और साइन 4x को बाद में लिख दो, तो जो कि आपकी, ये आपकी राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड।